महिला कोच से छेड़खानी के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। इसका ऐलान झज्जर में हुई सर्वखाप पंचायत में खापे पहले ही कर चुकी है। खापों की चेतावनी के बाद भी सरकार ने पिहोवा में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री संदीप सिंह को मुख्य अतिथि बना दिया है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब सर्वखाप पंचायत की कमेटी ने मंत्री को काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया है। सर्वखाप कमेटी की बैठक की जानकारी देते हुए धनखड़ खाप के प्रधान युद्धवीर धनखड़ ने बताया कि मंत्री संदीप सिंह को किसी भी सूरत में तिरंगा नहीं फहराने देंगे। प्रदेश के कई इलाकों से खापे इकट्ठा होकर पिहोवा जाएंगी और मंत्री को काले झंडे दिखाकर तिरंगा फहराने से रोका जाएगा। सर्वखाप पंचायत कमेटी ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर आरोपी मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। अब सर्वखाप कमेटी चंडीगढ़ में डीजीपी से मुलाकात करेगी। मंगलवार को दोपहर में डीजीपी से मिलने का वक्त लिया गया है। इस मुलाकात में सर्वखाप प्रतिनिधियों के साथ पीड़ित महिला कोच का परिवार भी होगा। इस मुलाकात में खाप और पीड़ित परिवार पुलिस से आरोपी मंत्री को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। धनखड़ खाप के चबूतरे पर हुई सर्वखाप की बैठक में आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी सरकार से की गई थी। इसके लिए सरकार को 23 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने आरोपी मंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं की है। सर्वखाप कमेटी सरकार के इस रवैये से भी नाराज है और जल्द एक और बैठक बुलाकर आगामी कदम की घोषणा भी की जाएगी। प्रधान जी, 23 तारीख है, 23 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, मंत्री को झंडा नहीं फहराने का भी निर्णय लिया था आपने, क्या अपडेट है अभी? देखो जी, 23 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था सर्वखाप की महापंचायत थी उसमें, और जितने भी खापर दानियाँ हाजिर थे उन सब की सलाह लेके 23 के बाद में उन सब से हम बातचीत करके और जो अगला जो भी हमारा निर्णय खाप सरो खाप लेगी वो आपको बता देंगे जल्दी। और जो फैसला ले रखा था हमने पहले ही 15 तारीख की जो सरो खाप महापंचायत थी, 26 तारीख में खेल मंत्री दोषी है, अगर वो हमारे तिरंगा जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराएगा पिहोवा में तो हम उसका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। किस तरह का बहिष्कार करेंगे भैया? हम उसको काला झंडा दिखाएंगे, विरोध करेंगे उसका झंडा। अब पिहोवा में उनका नाम भी आ गया है कि झंडा फहराएंगे, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो वहाँ झंडा फहराएंगे, वो तो झंडा फहराएंगे तो हम उसको काला झंडा दिखाएंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो दोषी है, उसके ऊपर धाराएं लग रही हैं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और सरकार कह रही है जांच, जो दोषी होगा जिस पर इतनी धारा लग रही हैं तो उसको झंडा फहराने की जगह नहीं है, उसकी जगह जेल में है। लगातार महिलाओं पर यौन शोषण के मामले और भी सामने आए हैं, आपने पहले भी देखा कि जंतर मंतर पर खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे, उसके बाद एक और स्टूडेंट्स के साथ भी मामले आए हैं, तो खाप का क्या रोल रहेगा? देखो, खाप जितनी भी खापे हैं उनका सामाजिक संगठन है, तो जितने भी खापे हैं चाहे जंतर मंतर पर हमारे खिलाड़ी पहलवान जो हमारी बेटियां हमारी बहनें जो वहाँ बैठी थी, बड़ी शर्म की बात है, और हमारी खापे वहाँ भी गई थी और बिल्कुल हमारे पहलवान जो हमारी बेटी हमारी बहनें उनको न्याय जब तब तक नहीं मिलेगा, हरियाणा की तमाम सरों खाप उसके साथ खड़ी। ठीक, लोगों की पंचायत में ये भी मामला आया था कि डीजीपी से मिलेंगे, तो उनसे मुलाकात का क्या अभी वो है? देखिए, राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया है और डीजीपी जो चंडीगढ़ पुलिस उनसे कल का हमने समय ले रखा है और कल 12 बजे डीजीपी से भी हमारी खाप पे हमारे जो सर्व खाप के प्रधान हैं और हमारा जो पीड़ित परिवार है वो मिलेगा। ठीक।